हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। और आज हम लोग खेलने वाले हैं खाना मुंह में ठुसाना। वैसे तो इस गेम का नाम ईटिंग सिमुलेटर है, लेकिन इस गेम में हमें सिर्फ लोगों के मुंह में खाना ठुसना रहता है, तो मुझे लगा ये नाम ज्यादा अच्छा लगेगा, खाना मुंह में ठुसाना। और इसमें कुछ लोगों का गला तो एकदम सुरंग जैसा होता है, जैसे कि हमारे सामने बैठा ये गेंडा अंकल। ये अंकल ने खुद को भी खा लिया ना तो भी इसका पेट नहीं भराएगा। और ये आंटी जिसके पेट में खाना अटक चुका है और वो हमसे खाना निकालने बोल रही है। अरे बावड़ी हो गई कि आंटी, खाना तो खुद निकाल ले पेट से, या फिर मैं आपके पेट में रॉकेट डाल देता हूँ, वो सब कुछ बाहर निकाल देगा। तो चलो यार, बातें तो बहुत हो गई, अब हम लोग इस गेम को शुरू करते हैं। तो अभी हमको इस अजीब से दिखने वाले बाबू को दूध पिलाना है, पर दूध इधर पे है कहाँ पे? मैंने ऊपर देखा, नीचे देखा, कोने में देखा, दाएं बाएं हर जगह देखा। मेरे को इस बोतल में इडली दिख रही है बस एक। यार मेरे को सच में दूध कहीं नहीं दिख रहा है, और ये इडली का शेप भी थोड़ा अजीब सा है भाई। क्या पता भाई, शायद ये लोग दूध बनाना भूल गए तो इनने इसके अंदर इडली डाल दी, और यहाँ पे लेवल कंप्लीट भी हो गई है, तुम देख सकते हो। मतलब शायद हमको जमा हुआ दूध पिलाना था, और अभी अंकल को हमको बर्गर खिलाना है। ये वही गेंडा अंकल है। यार सच में ये गेंडा अंकल कितना गेंदा लग रहा है देखने में, गेंडा नहीं गंदा लग रहा है देखने में। यार तो चलो ये बर्गर उठाते नीचे से, और हमको बैलेंस करना होगा, नहीं तो सारे पीस हमको एक एक करके उठा के डालने होंगे इनके मुंह में। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, नीचे मत गिरा देना बर्गर। अरे बर्गर, ओ गया 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 गया, दोनों कोने के रह गए थे, वो भी मैंने डाल दिए इनके मुंह में। अंकल बिना चबाई खाना नहीं खाते, टेस्ट करे बिना खा लो चलेगा, नहीं तो आपके ऊपर भी वैसी वाली न्यूज छपेगी। अंकल ने 10 दिन तक नहीं चबाया था खाना, अंकल के पेट में फंसा खाना, डॉक्टरों को हुई खाना निकालने में बड़ी दिक्कत, अंकल खाना चबाता ही नहीं थे। और अभी हमको ये कबूतर को चिड़िया खिलानी है, नहीं चिड़िया नहीं मछली। मछली हम लोग आगे से खिलाए जरूरी है क्या? पीछे से भी तो डाल सकते, पीछे का भी पाइप तो खुला है ना भाई, जाली वाली थोड़ी लगी है पीछे। चलो पीछे से डाल के देखते है। अरे ओके, तो एक मछली मैंने खिला दी, दूसरी भी हम लोग पीछे से डाल देते है। दो मछली मैंने खिला दी, और ये तीसरी मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। और अभी हमको ये कुतरया को इतनी सारी हड्डी खिलानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुत्ते अगर मैंने तेरे को 10 हड्डी साथ में खिला दी ना, तो तू मेरे को डांस करके दिखाएगा। चलो यार डाल के तो देख ही लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, इसका मुंह इतना बड़ा है ही नहीं कि ये सारी हड्डी एक बार में खा सके, शायद ये हमसे यही कहना चाहता था, पर मेरे को इसकी भाषा समझ में नहीं आती है यार। ओके एक हड्डी तो गई, दो गई, तीन गई, चार गई, अभी ये लेवल ही कंप्लीट हो गई तो ये हट जाएगा खुद से। और अभी हमको ये दाढ़ी वाले अंकल मिले, इनको पानी बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो हम आपको नाक से पानी पिला देते हैं। भाई साहब नाक से पानी डाल रहा हूँ मैं, और ये पानी भी एकदम बॉल है, सॉलिड पानी पिला रहा हूँ इसको। और ये लेवल भी खत्म हो गई, ये पाइप कितना अजीब है। इस बार हमको एक अंडे को नूडल खिलाना है। यार ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि अंडा नूडल खा रहा है, चलो डाल के देखते हैं। और ये नूडल भी सिंगल है इतना बड़ा। यार नूडल वाली ज्यादा न्यूज छपती है कि नूडल चबाए नहीं तो वो पेट में फंस गए। इसको हमको मछली खिलानी है, चलो पीछे से डाल देते हैं, इतना लंबा क्यों जाऊं मैं जब मैं पीछे से डाल सकता हूं। और ये मछली किधर गई? भाई साहब मछली गायब हो गई है, अगर मैंने मछली गायब कर दी तो क्या होगा, फेल्ड हो जाएगा लेवल। चलो वापिस से लगाना होगा हमको। और अभी हम लोग इनके पिछवाड़े से डाल देते हैं मछली अंदर। ये गई मछली अंदर, अरे कहाँ फंस गई यार, ये अटक गई मछली। तुमने वो गाना तो सुना ही होगा, फंस गई जल्ले मछली, वो वाला एरिया बंद हो चुका है। ये वाली हम लोग पीछे से धक्का देके देखते हैं। ए आगे बढ़ना, अरे निकल, ओके निकल गई, निकल गई मछली, निकल गई। अभी हमको गेंडा अंकल को गरम कुत्ता खिलाना है, इसे मुंह में डाल देते हैं। ये लो अंकल, अरे अरे मस्त टेस्टी है यार, टेस्टी। अंकल आपकी जीभ तो है नहीं, आप टेस्ट कैसे बता रहे हो? और अभी वो आंटी आ चुकी है जिनके पेट में खाना फंस गया था, चलो इनके पेट में से खाना निकालते हैं। आगे से निकाल दे तो क्या होगा भाई, निकलेगा क्या यहाँ से? मुंह में से निकाल दे तो आंटी, पेट तो उल्टी में भी साफ हो जाता है ना, जरूरी थोड़ी है पीछे से निकले। चलो रे निकाल दिया मैंने इसको आगे, तो लेवल तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था ना, वहां डालना जरूरी है क्या इस सांप को? यार लेवल तो कंप्लीट हुई नहीं तो हमको इसको वापस से मुंह में डालना होगा। इसमें हमको अंकल को रेड पेपर खिलाना है, पर पेपर तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, और लाल पेपर तो छपता भी नहीं है, सफेद पेपर छपता है हमारे यहाँ तो। अच्छा अंकल मिर्ची की बात कर रहे हैं क्या? मिर्ची खिलानी है आपको, पर वो तो PEPPER ऐसा कुछ होता है ना। ए थोड़ा पढ़ के आया कर, फिर लिखा कर स्पेलिंग। मुझे पता था तुम लोगों को मेरे पर यकीन नहीं होगा, तो ये देखो रेड पेपर, क्या ही स्पेलिंग तुम देख सकते हो, तो वो पेपर नहीं होता है, रेड पेपर होता है, समझ गई ना। तो अभी अंकल के मुंह में हम लोग जल्दी से डाल देते हैं रेड पेपर, नाक से तो जा नहीं रहा, हम लोग मुंह से डाल देते हैं। एक मिर्ची गई, दो मिर्ची गई, तीन मिर्ची गई, अंकल बहुत जलेगा आपको इतनी मिर्ची खा लोगे तो। और ये वाली लेवल तो देखो, हमको अंडे को अंडा खिलाना है,
और ये क्या हुआ रे? वो भाई साहब अंटे में धमाका हो गया, एकदम ऐसे धमाके में सब कुछ उड़ गया। अच्छा ये खिलाना है, ये गेंद खिलानी है इसको, ले खा ले। अरे भाई साहब तवा नहीं खाना था तेरे को, गरम तवा खा गया देखना, मैं उसको हिला ही नहीं पा रहा इधर उधर। ये ले तू ऐसे खा ले बे, ये ऐसे भी खिला सकते थे इसको। और अभी हमको ये आंटी को लॉलीपॉप चटानी है। चाट लो आंटी, चाट लो ऐसे चाटो, ऐसे चाट लो। खत्म हो गई। ये भी खा लो, ये भी खा लो। क्या करोगे ये रख के? यार मुझे लगता है हम लोग ने आज के लिए काफी सारी लेवल्स खेल लिए। उम्मीद है तुम लोगों को इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। तो हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो यार।